थे, पर श्री राधा तो नित्य 16 श्रृंगारों से सज्जित रहती है। क्यों श्रृंगार करती है? बाबू जी कहते हैं बड़ी लीला वैचित्र्य है। क्या राधा अपने को सुंदर दिखाने के लिए सजाती है? नहीं, श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, इसलिए वैराग्य में श्रृंगार में वैराग्य है, श्रृंगार में वैराग्य, पूर्ण त्याग में श्री राधा है। राधा माधव चिंतन में कुछ भैया मोबाइल बंद रखो तो अच्छा है। हाँ, मोबाइल बंद रखो तो अच्छा है, भावधारा टूटती हो। क्या कह रहा था? क्या कहते थे? श्री हाँ, बाबू जी कहते हैं प्रेम मूर्ति श्री राधा आई जग को त्याग सिखाने आज। राधाष्टमी पर पद गाते हैं हम लोग, प्रेम मूर्ति श्री राधा आई जग को त्याग सिखाने आज। श्री राधा को यदि किसी भाग्यवान को दर्शन हो तो श्री राधा की साज सज्जा श्रृंगारमयी साज सज्जा, कोई विरागनी राधा नहीं है, श्रृंगारों से सुसज्जित परम सौंदर्य के अधिष्ठात्री, पर उसके भीतर किस प्रकार का त्याग है उसको यदि कोई सपने में भी जरा सा भी छू लेवे तो उसका अंतःकरण इतना जगमग जगमग करने लग जाए निर्मलता से कि जिसकी कल्पना नहीं। वो अपना परिचय देती है, हूँ वही जिसे कहकर मेरे प्राणों की रानी है प्रीतम, थे पकड़ लिए वे हाथ लगी मेहंदी जिनमें थी है प्रीतम, पर भग्न हुआ सा था ग्रह वह जिसमें रहती बाला प्रीतम, थी तम से परिपूरित रजनी जब तुम आए थे हे प्रीतम। बाबा अपने इस शरीर के लिए कहते हैं कि जब तुमने प्राणेश्वरी कह करके हाथ पकड़े थे उस समय तुम्हारा और मेरा अवतरण जिस भूमि पर हुआ, जिस भवन में हुआ, वो भवन भग्नवासा था। वो भग्नवासा था अर्थात बाबा का ये शरीर स्वस्थ नहीं रहता था, आदि व्याधियां उसके साथ लगी हुई थी, और कच्चा घर तो है ही ये शरीर, पंच तत्वों से रचित शरीर कच्चा घर तो है ही, इतने पर भी वो कच्चा घर होते हुए भी बड़ा पावन है। जैसे गोबर मिट्टी आदि से लेप करके किसी जगह को स्वच्छ कर दिया जाता है तो कितना वो पवित्र स्थल माना जाता है पूजा अर्चा के लिए, इसी तरह से ये घर था तो कच्चा पर बड़ा पावन घर था, वहां की धरती गोबर मिट्टी से लीपी पोती रहती थी, अर्थात बाबा का ये शरीर आचार विचार की दृष्टि से इतने कठोर व्रतों का पालन करने वाला था, तप पुंज उनका जीवन था। पर कहते हैं हे प्रीतम, जब तुम पहले पहले आए थे ना तो तुम्हारी पूजा करने के लिए मेरे पास दीपक भी नहीं था। दीपक ये सामान्य दीपक की बात नहीं कह रहे हैं, उस दीपक की बात कह रहे हैं कि जो ये प्रकृति के तीनों गुण है ना, सत्व रज तम,
इससे आगे जब तूर्य अवस्था की स्थिति होती है उस समय शुद्ध सत्व का विशेष प्रकाश होता है, जिसका संकेत ग्रंथों में इस तरह से किया गया है, यो ने द्वेष्टि कुशलं कर्मे कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। ऐसी एक प्रखर परम सत्व की स्थिति होती है, वही दीपक है जो परमार्थ को आलोकित करता रहता है। तो क्या बाबा के जीवन में वो ऐसा आलोकित दीपक नहीं था क्या? नहीं, ये बाबा का परम दैन्य बोल रहा है कि कैसे तुम्हारी अर्चना करूं, नई वस्तु कुछ भी ऐसी जिससे तुमको मैं दूर सदान, जिससे तुम मेरे जाऊं, जिससे करूं तुम्हारा पूजन मान। श्री राधा का दैन्य है। हाँ, इस कच्चे घर के कपाट, गवाक्ष, ये सब टूटे हुए हैं, अर्थात ये कच्चा घर स्वस्थ नहीं है। और वह पवन धूल भरकर दुकूल में लाया करता था प्रियतम, बाबा के आसपास रहने वालों के लिए संकेत किया है कि ज्यादातर रजोगुणी स्वभाव के लोग ही संपर्क में आते थे। भगवान की विशुद्ध चर्चा, भगवत प्राप्ति की चर्चा करने वाले कोई विरले ही आए हों, अन्यथा बाबा के सामने, बाबूजी के सामने अपनी अपनी समस्याएं लेकर के लोग आते थे। यही मानो रजोगुण रूपी धूल जो है वो झोली में भर भर के लाते हैं, पर बाहर से आया उस रज का एक कण भी उस बाला का स्पर्श नहीं कर रहा है, छू नहीं पा रहा है, क्योंकि उस बाला में सहस्त्र पावक पुंजों की उज्ज्वलता, निर्मलता, ज्योति भरी हुई है। इसलिए किसी में ये सामर्थ्य नहीं थी कि वो अपने किसी लौकिक भाव का उनको संस्पर्श भी करा सके, उस भाव से उनके अंतर को छू सके, दूषित कर सके, ऐसा कोई नहीं था। हाँ, इतनी बात जरूर थी कि बाला तो अपने प्रियतम के साथ निरंतर घुली मिली है वहां पर बाहर से देखने वालों को लगता है ये कोई युवक सन्यासी हैं, भाई जी के साथ रहते हैं, हाँ पढ़े लिखे हैं, वैरागी हैं, तपस्वी हैं, हाँ इनके पास थोड़ी रहने की सुविधा है, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, पर सन्यासी को किसी ग्रस्त के साथ निरंतर नहीं रहना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें लोग सोचते थे। लेकिन वो सोचने वालों को कहाँ अवकाश था कि उस घर में घुस के देखे कि इस घर में कौन रहती है, कौन बाला रहती है। वे तो इतना ही समझते थे कि ठीक है, ये टूटा फूटा मकान जैसे होता है, उसकी उपेक्षा करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वे राही हैं, उनका ध्यान अपने पथ पे लगा हुआ है। हाँ, वहां पर कुछ ऐसे लोग भी आते थे जिनका जीवन राजाओं जैसा था, राजनेता भी तो बाबूजी और बाबा के पास आते थे, बाबूजी के पास जितने आते तो बाबा से भी मिलने आते। राजाओं का राज्य भले ही चला गया लेकिन उनका रुतबा बहुतों का राजाओं जैसा ही रहा, और फिर वर्तमान में शासन प्रणाली इतनी बदल गई कि आज जो किसी सूबे का कोई मुख्यमंत्री है या कैबिनेट मंत्री है तो वो अपने को राजा से कम थोड़ा ही समझता है। ऐसे लोग भी आते थे, और ऋषियों का मुनियों का दल भी आता था जिनका पवित्र जीवन है, जैसे श्री चिमनलाल जी गोस्वामी जी जैसे बड़े पुनीत सदाचार का पालन करने वाले बाबा बाबू जी के पास रहते थे, मननशील स्वामी जी महाराज जैसे, श्री राम सुखदास जी महाराज जैसे
गीता का गहन मनन करने वाले महापुरुष भी आते थे। श्री शरणानंद जी महाराज, श्री मंगलदास जी महाराज जैसे सिद्धों का समूह भी आता था। कुछ गायक लोग भी आते थे, गंधर्व लोग, बड़े लोग सुनते थे कि बाबा संगीत के बड़े मर्मज्ञ हैं, तो अपनी अपनी संगीत का कौशल सुनाने के लिए, बाबा को प्रसन्न करने के लिए, ललित लीलाओं का गान करने के लिए बाबा और बाबूजी के पास लोग आते थे। ये जो ऋषि मुनि सिद्ध जो आते थे, उनकी पैनी सी दृष्टि जब बाबा पर पड़ती तो उनके लिए भी वो भवन या तो विराग की वस्तु बनता या विनोद की वस्तु। बाबा के जीवन में टिप्पणी करने वालों की कमी नहीं थी। बड़े बड़े लोग टिप्पणी करते थे कि सन्यासी होकर के कुटी बना करके, शास्त्रों में वर्णित है कुटीचक जो सन्यासी होता है उसको सबसे निम्न श्रेणी का माना जाता है, जबकि बाबा के जीवन में परमहंसों का निर्मल जो स्वभाव होता है वही मूर्त हुआ था। पर ये नहीं जानते थे कि इनके साथ क्यों रहते हैं, वो तो श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष आदेश था। तो श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने के लिए बाबा किसी अन्य की टिप्पणी का कोई ख्याल ही नहीं करते थे। बाबा के सामने हरिवल्लभ दादा पद सुनाते थे। हिलक के पदों में एक पद है, एक गोविंद चंद के कारण बैर सबन सो ठान्यो। गोपी कहती है सारे उलाना, सारी आलोचनाएं प्रसन्नता पूर्वक हम सह लेंगे, पर श्री कृष्ण प्रीति से हम विलग नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ऐसे ही कहने वाले कुछ भी कहें, बाबा का दृढ़ नियम, तो कहने के लिए लोगों को बाबा देखता है, वहां बाबा नाम की कोई चीज है नहीं। नकाब पोष वृषभान दुलारी हूं मैं, स्पष्ट कहते हैं केवल नकाब ओढ़ रखी है गैरी वसंतधारी सन्यासी की, पर वो बाला उन लोगों को बिल्कुल ही पता नहीं है। कहते हैं कुछ ऐसे लोग भी बाबा के साथ रहते थे, विहंगम का स्वरूप बताया। विहंगम जो होता है आकाश मार्ग से चलता है, उसकी गति धरती पर चलने वालों की अपेक्षा तेज होती है। तो कुछ ऐसे सुधे हुए साधक भी बाबा के पास रहते थे, पर वे सभी प्रायः गृहस्थ थे। गृहस्थ थे जैसे पक्षी अपने घोंसले में रहते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं, ऐसे ही बाबा के साथ में कुछ अच्छे साधक थे, पर वो प्राय सभी गृहस्थ थे। उनकी सहचरी भी उनके साथ थी, उनका संसार अलग था, वे सब सोए हुए थे। किस बात से यहाँ कौन सी बाला रहती है, इस बात से अनभिज्ञ थे, मानो सोए हुए थे। किसमें सोए हुए थे, बोले अज्ञान रूपी रात्रि में। ये अनजानकारी अज्ञानी तो अज्ञान रूपी रात्रि में, और कहते हैं कि वो रात्रि ऐसी नहीं थी कि जो चार पैर वाली हो, चार पैर बाद सूर्योदय हो जाए। पंडित जो सच्चे पंडित है अज्ञान रूपी रात्रि को अनादि कहते हैं, अनादि रात्रि है वो। उस रात्रि का अंत उसी के जीवन में होता है जो हे प्रीतम तुम्हारी करुणा कृपा का भजन बन जाए, और जो एक बार तुमको देख ले उसके लिए फिर वो रात्रि सदा के लिए निशेष हो जाती है। इसलिए वे बेचारे व्यंग सोए हुए थे, पर वो बाला निरंतर जगती थी। उस बाला के जीव ने एक क्षण भर के लिए भी नींद नहीं आई। इसका अर्थ हम जैसे सोते हैं, क्या इस तरह से बाबा कभी सोते नहीं थे, सोते थे। ये नींद के लिए संकेत नहीं है, अज्ञान रूपी निद्रा एक क्षण के लिए भी उस बाला को नहीं आई। या निशा सर्वभूतानां
तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सानिसा पश्यतो मुने। जिस सांसारिक सुखों में, विषयों में, व्यवहारों में ये जीव समुदाय जाग रहा है, उसके लिए रात्रि क्या है? परमानंद स्वरूप जो उनका है, जीवात्मा का जो सच्चिदानंदमय स्वरूप है, वो उनके लिए रात है। और जो सिद्ध मुनि है उनके लिए ये व्यवहार रात है। इसलिए वो बाला सदा जगती थी और जगती ही नहीं थी, उसकी आंखें निरंतर झरती रहती थी। उसके पास कोई नहीं था जो उसका आंसू पहुंच सके। बाला निरंतर उनकी आंखें निरंतर झरती रहती थी। आगे जगह जगह पर इसका संकेत मिलेगा। भाव हमेशा विगलित होता रहता है और ज्ञानी निरंतर हंसता रहता है। ज्ञान के आलोक में ब्रह्मानंद का अनुभव करने वाला निरंतर प्रसन्न चित रहता है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षते समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। गीता जी में कहते हैं ब्रह्म भूत हो जाने से प्रसन्न आत्मा हो जाता है, प्रशांत आत्मा हो जाता है, पर न कोई इच्छा रहती है। सर्वत्र एक ब्रह्म सत्ता का ही दर्शन करता है। इतनी निर्मल भूमिका जिस अंतःकरण की होती है उसमें से किसी किसी को मेरी पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञानोत्तर कालीन भाव राज्य में उसका प्रवेश हो जाता है। तो ये बाला, बाला का स्वभाव ये भाव निरंतर बहते रहते थे। झरझर बाबूजी का चित्र टंगा है वहां समाधि पर, देखिए हाथ जोड़े हुए, आंखों से अश्रु टपक रहे हैं। ये क्या कोई खेद के अश्रु है? नहीं, वो प्रेम भरा हृदय छलकता रहता था। बाला प्रीतम की प्रतीक्षा में निरंतर अश्रु प्रवाह करती रहती है। रहते कुंचित काले हरदम थे केस खुले उसके प्रीतम, भीगा रहता परिधान नील नैनों की धारा से प्रीतम। दसवें से पंद्रहवें तक गायन कर लें, फिर इसकी चर्चा करेंगे। पर श्री राधा तो नित्य 16 श्रृंगारों से सज्जित रहती है।